जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्यफल। एक नंबर सूर्य, काम काज के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान दीजिए, सेहत बिगड़ सकती है। परिवार के भविष्य के लिए योजनाएं बनाइए, बच्चों की समस्याओं को सुलझाइए, भागिए नहीं। दो नंबर चंद्रमा, परिवार के सदस्यों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसी संवाद और सामंजस्य बनाए, माता पिता और बुजुर्गों का ख्याल रखे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भाग्योदय होता है और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, धन प्राप्ति का रास्ता खुलता है। तीन नंबर बृहस्पति, ग्रहों के संयोग से बन रहा है भाग्योदय का विशेष योग। आज बन रहे हैं आर्थिक रूप से उन्नति के विशेष योग। आज आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है, दफ्तर में मान सम्मान मिलने वाला है। चार नंबर राहु, मानसिक शांति बनाए रखिए, समस्याओं का समाधान कीजिए, आज किसी भी अनावश्यक विवाद में आप ना पड़े। अपने काम काज से जुड़ी हुई योजनाओं पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, भगवान की प्रार्थना से मिलेगी मानसिक शांति, ध्यान दीजिए। पांच नंबर बुध, पैसों का निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है, शेयर बाजार या अन्य जगह निवेश से आपको लाभ हो सकता है। आज आपकी यात्रा सफल होने की उम्मीद है, यात्रा से लाभ जुड़ा हुआ है, विदेश से आर्थिक फायदा मिल सकता है अगर जिनका विदेश से संबंधित कारोबार है। छह नंबर शुक्र, कुछ समस्याएं होंगी, मानसिक तनाव की आशंका है, शांति और संयम रखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा, भाग्योदय होगा। सात नंबर केतु, ग्रहों के संयोग से आर्थिक प्रगति के योग बन रहे हैं, आज आपको मिल सकता है रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, काफ़ी समय से चली आ रही जो योजनाएं हैं आज सफल हो सकती है। अचानक यात्रा पर जाने से आपकी बन सकती है सफलता, भाग्योदय का मार्ग। मानसिक शांति बनाए रखिएगा, दिन बेहतर होगा, अच्छा होगा। आठ नंबर शनि, काम काज के साथ ही परिवार पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, परिवार की समस्या सुलझाने पर जोर दीजिए। ऑफिस में भी काम पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी कुछ लोग आपकी खिलाफत कर सकते हैं। नौ मंगल, आज आपको पैसे की निवेश से मुनाफे की संभावना है, मित्रों से भी लाभ बढ़ेगा, बहुत ही भाग्योदय का अच्छा समय है, दफ्तर में भी मान सम्मान मिलेगा, शुभ समय है।